सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी जो भी मैं वीडियोस डालूं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मानस जैन आज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ है, इसमें मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग करते हैं और कहीं भी कुछ ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं या कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं बिल्कुल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या चीज़ों का सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेना चाहिए, वो मेनली वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आज सब जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, आजकल बहुत लोग डिजिटल आ रहे हैं, बहुत वेबसाइट्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग्स में आप जैसे कोई मोबाइल खरीद रहे हो, कैमरा खरीद रहे हो, कोई कुछ खरीद रहे हो, कोई कुछ सामान खरीद रहा है, उसके लिए भी बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, जबोंग, मिंत्रा, टाटा क्लिक, क्लब फैक्ट्री एक्सेट्रा, ऐसी और कई अन्य साइट्स हैं। आज मैं क्योंकि मुझे बहुत सारे साइट्स के नाम नहीं पता, लेकिन ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिन पर ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हो रही है। और फूड ऑर्डरिंग में भी बहुत सारी साइट्स आ चुकी हैं, जैसे डिलीवरी सर्विसेज आ चुकी हैं, जैसे जोमेटो है, उबर ईट्स है, स्विगी है, फूड पांडा है, जुगनू में जुगनू फटाफट है, और भी ऐसी और कई अन्य साइट्स हैं, अन्य डिलीवरी सर्विसेज हैं जो डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स को जोड़ते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हैं। उसमें भी बहुत कस्टमर्स हैं जो लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, जिनको घर बैठे सब सामान मिल जाते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाना ऑर्डर करते हैं तो भी उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे आपका ही बेनिफिट होगा। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो चीज़ों में ध्यान देना ज़रूरी है, आपको देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं, स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स एक्सेट्रा, किसी भी साइट पर ऑर्डर करते हैं और आप घर पर बुलाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट ही है बिल्कुल आपको। लेकिन जब भी आप ऑर्डर करें तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, जब आपको ऑर्डर डिलीवर हुआ है तो जो जो आइटम आपने ऑर्डर करी है वही आइटम है कि नहीं है, वही प्राइस है कि नहीं है, उतना अमाउंट है कि नहीं है, आपने वो ज़्यादा अमाउंट तो पे नहीं कर दिया, वो बिल्कुल आप ध्यान रखें। वो चीज़ों का बहुत ज़रूरी तौर पे ध्यान रखें कि आप जो भी ऑर्डर करते हैं वही आइटम आपको मिली है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ का ज़रूरी ध्यान रखें। भले आप स्विगी पे करें, जोमेटो पे करें, उबर ईट्स पे करें, किसी भी चीज़ पे करें, लेकिन वो चीज़ का ज़रूर से आप ध्यान रखें कि वो चीज़ सही है नहीं है, क्या नहीं है, वो बिल्कुल देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सैंडविच बुलाया, फ्रेंच फ्राइज बुलाया और कोल्ड कॉफ़ी बुलाई है, तो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, जब आपको ऑर्डर डिलीवर होता है तो आपने वही तीन चीज़ें उसमें है कि नहीं है, और जो अमाउंट आपको आया था वही अमाउंट आपने पे करा है कि नहीं करा है। और जैसे कि अन्य साइट से भी कुछ कुछ ऑफर चलते हैं, आप ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं, आपको बस वो माय ऑफर्स में जाके देखना है। बिल्कुल कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी में ना करें, जल्दी जल्दी में बिल्कुल कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर बाद में आपको करते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होता है। वो चीज़ का आप जरूर एक एक चीज़ का ध्यान रखें। आप बिल्कुल शांति से कुछ भी ऑर्डर करें तो बिल्कुल शांति से करें, बिल्कुल भले ही आप 10 रुपये की चीज़ भी कर रहे हैं ऑर्डर तो भी बिल्कुल ध्यान से करें, ध्यानपूर्वक करें, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत ना आए, इसलिए बिल्कुल शांति से बैठ के शांत मन से ऑर्डर करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल आ रहे हैं तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ध्यान रखें, एज अ कस्टमर भी और एज अ मर्चेंट भी। अगर आप अपना स्टोर लिंक करते कुछ भी करते तो हर चीज़ का एड टू जेड बिल्कुल एक कंसंट्रेशन है, ध्यान रखें हर चीज़ का, कुछ भी गलत ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, आजकल डिजिटल जमाना हो गया, लोग ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें चीज़ों का ध्यान रखें, बिल्कुल सही चीज़ करें, कुछ भी इधर उधर ना हो कि आपका ऑर्डर भी प्लेस ना हो और आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना हो। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ एंटर करें ताकि कुछ भी आपके साथ गड़बड़ ना हो कि आप कर रहे हैं और आपको पेमेंट नहीं हो रहा है बार बार, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है, आपका पेमेंट दो बार कट गया है, कुछ आपकी गड़बड़ी की वजह से, इसलिए कोई भी चीज़ करें ध्यान से करें। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एक्सेट्रा, जितनी भी साइट्स हैं उन सब पर आप ऑर्डरिंग करते ही होंगे, आजकल कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मार्केट से जाके भी परचेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करें, नहीं, आप मार्केट में भी जाकर शॉपिंग करें, मार्केट से जाके भी सामान खरीदें, लेकिन आप प्राइस कंपेयर कर लें कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, कोई से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है वो 10,000 का है, और 10,000 का आपने ऑनलाइन देखा कि यार कोई पर्टिकुलर मोबाइल है वो ऑनलाइन 10,000 का है, फॉर एग्जांपल अमेज़न पे वो 10,000 का है, और आप मार्केट में जाके चेक करें
मार्केट में प्राइस चेक करेंगे 10,000 का ही है कि उससे थोड़ा प्राइस कम है या प्राइस ज़्यादा है, क्या हो बिल्कुल कंपेयर करो, उसके बाद ही खरीदे कोई भी चीज़ खरीदे। उसके बाद अगर आपको मार्केट में कम में मिल रहे तो प्लीज तो मार्केट से जाके उसको परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आपको बिल विल सब मिलना चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखें। कोई भी चीज़ खरीदें, आप खाने की चीज़ भी खरीदें, लेकिन बिल ज़रूर से मांगे, बिल ज़रूर से लें, ताकि हर चीज़ का वजह आप 100 रुपये की भी चीज़ खरीदें, 50 की खरीदें तो भी उसका बिल ज़रूर से लें, वो बहुत ही ज़रूरी है। बिल आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बाद में कुछ अगर उसमें आप चेक करना चाहते हो आइटम से, आप डिटेलिंग से चेक कर सकते हैं। आपने अगर बहुत सारी आइटम्स खरीदे बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो आपसे आपका अमाउंट लिया है सामने वाले उतने का बिल दिया है नहीं दिया है क्या है वो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि उससे आपको आगे भी कोई दिक्कत आए तो जो कंपनी का है उस कंपनी में जाके आप उसके सर्विस सेंटर में जाके प्रॉपर उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो चीज़ रिपेयर करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कैमरा, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन कुछ भी, तो आप वो रिपेयर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वारंटी पीरियड है उस वारंटी पीरियड के हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप डिजिटल आए या डिजिटल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिल्कुल जो भी करें सोच समझ के करें और ध्यानपूर्वक करें, एकदम शांत मन से करें, घाई घाई में अड़बड़ अड़बड़ में जल्दी जल्दी में कुछ ना करें कि जिससे आपका नुकसान हो, कुछ ऐसी जो आपको नहीं करना है वो कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे कोई चीज़ है वो आपको नहीं करना है लेकिन वो गलती से हो गई है, तो वो चीज़ से बचें आप, बिल्कुल ध्यान रखें। हर चीज़ जो भी जिसमें जो भी सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो बिल्कुल आप करें, फ़ोन में भी जो भी सिक्योरिटी ज़रूरी है वो आप बिल्कुल करें, एप्लीकेशन में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल एंटर करें, सब चीज़ें एज एन सिक्योरिटी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मैं यही कहना चाहूँगा, मैं कई वीडियोस मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोस भी बनाए उसमें मैं बोलता हूँ, अभी मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी चीज़ खरीदें, आना भी ऑर्डर करें, कुछ भी ऑर्डर करें, तो उस पर आप बिल्कुल जब आपको मिल जाए तो रिव्यू रेटिंग ज़रूर दें, जो ओरिजिनल रिव्यू रेटिंग है वही दें, किसी कहने सुनने में रेटिंग ना दें। बिल्कुल बिल्कुल आप रिव्यू रेटिंग बिल्कुल जो है ओरिजिनलिटी जैसी चीज़ है उस हिसाब से ही रिव्यू रेटिंग दें। भले आप कोई कपड़े खरीदें, टीवी, फ्रिज, ऑनलाइन कोई सी भी चीज़ खरीदें, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें या खाने की शॉपिंग करें, बिल्कुल रिव्यू रेटिंग बिल्कुल जेन्युइन दें। ऐसा नहीं कि इसने बोला रिव्यू रेटिंग देना है तो आपने ठीक है 5 स्टार रेटिंग दे दी, क्या ठीक है ये चीज़ ऐसी है ठीक है दे दी 5 स्टार, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो चीज़ ऐसी है जो रियलिटी है उस हिसाब से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू दें, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिव्यू ना दें। उससे आपका तो फायदा होगा, दूसरों का भी फायदा होगा, दूसरों को भी मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ कैसी है, कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उससे दूसरों को भी बेनिफिट मिलेगा, दूसरों को भी जानकारी मिलेगी, मालूम पड़ेगा क्या ये चीज़ ऐसी है, हमें ऐसा करना चाहिए। इन्होंने रिव्यू डाला है उस हिसाब से, भले वो कुछ भी हो, आप मूवी देखने जाएँ उसमें भी रिव्यू डालें, कोई अगर आप कोई गैजेट खरीदते हैं उसमें भी डालें, कपड़े खरीदते हैं तो उसका भी रिव्यू डालें, अब खाना ऑर्डर करते हैं आप भले ही कॉफ़ी ऑर्डर करें उसका भी रिव्यू डालें कि कैसी क्या है, बस उससे दूसरों का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। जहाँ जो सिक्योरिटी ज़रूरी है वो बिल्कुल डालें, और कहीं भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई भी चीज़ शेयर ना करें, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में अधिकतर जगह कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है, ज़रूरी रहता है, तो बिल्कुल आप चेक करें करें, कहीं भी कुछ किसी और से शेयर करें, किसी से भी ना करें, इतनी जल्दी जल्दी में ना करें कुछ गड़बड़ हो जाए कि आपका पेमेंट कट जाए लेकिन आपका ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ है, चीज़ नहीं है, आपका पेमेंट ही 2 बार कट गया है और आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और कंपनी के सामने दिख रहा है 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो। इसलिए जो भी चीज़ करें बिल्कुल ध्यान से करें। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी करें बिल्कुल शांत मन से करें, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, फूड ऑर्डरिंग भी होली क्यों ना करें, कुछ भी करें तो बिल्कुल शांति से करें। भले आप कपड़े खरीदें, कुछ भी चीज़ खरीदें, भले वो 10 रुपये की भी चीज़ क्यों ना हो, कुछ भी करें, घर की खाने की आइटम, ग्रॉसरी से रिलेटेड आइटम भी क्यों ना हो, दही, आटा, शक्कर, चावल, जो भी घर की ग्रॉसरी की आइटम भी खरीदें तो बिल्कुल शांत तरीके से करें, ताकि जो आपने बोला है वही चीज़ प्रॉपरली है कि नहीं है, कुछ भी बिल आता है तो आखिरी में उसको बिल्कुल चेक करें। बस यही कहना चाहूँगा और आपको मैं यही कहना चाहूँगा आखिरी में, और आप मेरे चैनल से बिल्कुल जुड़े, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, ताकि आपको आगे भी और मैं जो इन्फॉर्मेशन वीडियो डालूंगा, जो भी वीडियो डालूंगा उसकी भी आपको अपडेट्स आती रहेंगी, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी आगे, और मैं आपको और चीज़ें नई नई चीज़ें बताऊँगा, नई नई चीज़ें रूबरू कराएंगे, आपको और चीज़ें मालूम पड़ेगी। बस और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल शांत मन से कोई भी चीज़ करें इसमें, और कोई भी फ्रॉड होने से, गलत चीज़ होने से आप उससे बच सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के धन्यवाद, मेरे चैनल से जुड़े रहने के धन्यवाद, थैंक यू।